नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुखवीर सिंह अपने स्कूल डायर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आप सभी का। इससे पहले हमने फ्रेंड्स देखा था कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अपने कुछ मेजर पार्टों को देखा था, उनसे जो सवाल बने उन टॉपिकों से उनको देखा, और हमने मध्यकालीन भारत के टॉपिकों को देखा, दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर, मराठे, इन चीज़ों से सवाल देखे, उत्तरवर्ती मुगल शासकों से सवाल देखे। लेकिन आज फ्रेंड्स हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज से, आज के वीडियो से। इसमें हम मिसलेनियस को जोड़कर देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या घटनाएं हुई और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जहां से सवाल बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं अपने इस आज के एपिसोड की इस सवाल से। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बंधु समिति की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बंधु समिति की स्थापना की थी? अश्विनी कुमार दत्त, बाघा जतिन, बहुभूषण और नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सही होगा, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधु समिति की स्थापना की थी। इसका जो समय है फ्रेंड्स, जब बंगाल विभाजन होता है 1905, बंगाल विभाजन जब होता है, क्या बंगाल विभाजन, क्लियर, बंगाल विभाजन जब होता है 1905 में, और इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य जो था इसका, क्लियर, इसका उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, स्वदेशी चीज को, स्वदेशी चीज को बढ़ावा देना। क्लियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो फ्रेंड्स जो भारत का पश्चिमी तट है ये वाला, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, तो यहां पूछ रहा है कि यहां भारत के पश्चिमी तट पर निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो कोचीन, तेलीचेरी, कन्नूर और कालीकट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बी सही होगा, क्या बी, तेलीचेरी यहां स्थान है, समझ रहे हैं ना, और यहीं पर भारत के पश्चिमी तट पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी कौन खिलाफत घटना के लिए एक प्रमुख सेट थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमान करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संधि पर हस्ताक्षर कराना, तुर्की में क्रांति और चौरी चौरा की हिंसा। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ था, 1920, ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था तुर्की को लेकर था, किसे लेके था, तुर्की को लेके था, क्योंकि वहां प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की पराजित होता है तो तुर्की को इंग्लैंड यानी ब्रिटेन दंड देना चाहता है, जो मित्र देश थे वो दंड देना चाह रहे थे, और ऐसे में खलीफा के पद को समाप्त करते हैं और तुर्की का विभाजन करना चाहते हैं। तो इसलिए इसका जो उद्देश्य था सी, तुर्की में इसके लिए क्रांति हो गई, जब जब यानी खलीफा के पद को समाप्त करने की बात आई, क्योंकि खलीफा जो था इस्लाम जगत का प्रमुख था और यह उनकी धार्मिक अस्मिता का सवाल था,
ऐसे में तुर्की में क्रांति होती है। क्लियर फ्रेंड्स, मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यानी वह कौन सा एक्ट है, अधिनियम है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? क्लियर, तो सॉरी ये थोड़ा मिस हो गया है, यानी 1893 का, ठीक है ना, 1913 का, 1933 का, 1943 का। क्लियर, तो ये चीजें हम देखेंगे। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा चार्टर अधिनियम ऐसा है। कैसा चार्टर अधिनियम है, तो ये वाला। क्लियर, यानी कि राइट आंसर बी सही होगा, 1813 का। क्लियर, 1813 का जो अधिनियम चार्टर एक्ट था, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, एक सेकेंड, तेरे का थोड़ा ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो यानी व्यापारिक कंपनियों का जो एकाधिकार था वो किस चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था, तो 1813 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। क्लियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या सही होगा, व्यापारिक कंपनियों का एकाधिकार था 1813 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि संविधान सभा के संदर्भ में, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियों में से कौन सी सही है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सी टिप्पणी सही है, यानी संविधान सभा के सदस्य सीधे चुने गए थे, सीटों का आवंटन का आधार जनसंख्या थी, संविधान सभा की संरचना मोटे तौर पर कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव के अनुरूप थी। अब इनमें कौन सा सही है, केवल एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, या तीनों स्टेटमेंट सही है। तो फिर संविधान सभा का सदस्य जो थे वो सीधे चुने गए थे, नहीं, गलत है ये। क्लियर, सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर हुआ था, ये सही है, क्योंकि 10 लाख पर एक सीट का आवंटन किया गया था। क्लियर, और संविधान सभा की संरचना मोटे तौर पर कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुरूप थी, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर बी सही होगा, केवल दो और तीन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, बड़ौच, मुसलीपट्टनम, कालीकट और सूरत? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर सही होगा वो सी राइट आंसर सही है, कालीकट जो है काली मिर्च के निर्यात के लिए फेमस है, और आप जानते हैं इसी बंदरगाह पर, कालीकट पे ही जमेर इनकी सहायता से, समझ रहे हैं ना, वास्को डी गामा आया था। क्लियर, 1498 में, राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के सर्वव्यापी अभिज्ञान के लिए गांधी के प्रस्ताव में सबसे प्रबल समर्थक थे। क्लियर, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के सविनय अवज्ञा सर्वव्यापी आंदोलन अभियान के प्रस्ताव में सबसे प्रमुख
समर्थक कौन थे। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही जबरदस्त समर्थन किया था गांधी जी का, और इन लोग जो और लोग थे इनके अंदर कुछ मन मुटाव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशवा ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि को स्वीकार किया जिसके माध्यम से निम्नलिखित संधियों के बीच थी, यानी जो सहायक संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच में, क्लियर, सहायक संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच में, एक सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा लाइट डिस्टर्ब हो रही थी, एक सेकेंड। यानी इसमें कहा जाता है कि पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच में, किसके बीच में, पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी जिसे सहायक संधि बोला जाता है, क्या सहायक संधि बोला जाता है। दरअसल जो सहायक संधि थी यह प्रारंभ तो सबसे पहले फ्रांसीसी जो था, जो फ्रांसीसी था डुप्ले, क्लियर, इसने प्रारंभ की थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी नकल की थी, और जो मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी फ्रेंड्स, उसे बसी की संधि बोलते हैं, बसीन की संधि, बसीन की संधि बोलते हैं, जो 1802 में हुई थी। क्लियर फ्रेंड्स, बसीन की जो संधि हुई थी वो 1802 में हुई थी, क्लियर। यहीं से मराठा राज्य का जो विघटन था वो प्रारंभ हो गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश राज्य कोर से सड़ा हुआ, हर दिशा में भ्रष्ट और अत्याचारी और मतलबी था, यह ब्रिटिश शासन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्लियर। तो यह स्टेटमेंट किसने कहा था, श्रीमती एनी बेसेंट, डब्ल्यू डिग्बी, सिस्टर नवेदिता, विलियम वेटरमैन। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था, सही स्टेटमेंट था कि हर दिशा में भ्रष्ट और अत्याचारी और मतलबी है, सिस्टर नवेदिता ने यह स्टेटमेंट दिया था। राइट आंसर सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत के रूप में जाना जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत के रूप में जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम ए, भारतीय परिषद अधिनियम यानी 1904 और ये 1893, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या फ्रेंड्स, क्लियर। तो भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत के रूप में जो कार्य प्रारंभ होता है वो 1892 की चार्टर अधिनियम से स्टार्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, पूछ रहा है जिस समय लंदन में यानी ब्रिटिश सरकार का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन था 1600 ईस्वी में, कब 1600 ईस्वी में, उस समय भारत में कौन शासक था, तो अकबर का शासक मैच करता है, क्लियर। राइट आंसर ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जेम अगेंस्ट हिक्की के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है, तो भारतीय मीडिया के पिता, भारतीय प्रेस के पिता, भारतीय टेलीविजन के पिता, या भारत में फोटोग्राफी के पायनियर। तो आप जानते हैं जेम्स अगेंस्ट हिक्की को फ्रेंड्स,
इन्होंने न्यूज़पेपर के बारे में बहुत अधिक काम किया था, ठीक है ना, काफी रियायतें दी थी, तो इन्हें भारतीय प्रेस का पिता कहा जाता है। राइट आंसर बी सही होगा, जेम्स अवेंस एक्की को 1870 में इन्होंने कलकत्ता में बंगाल गजट किया, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर देखिए, सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय। व्यापार तो वो सभी का करते थे, लेकिन जो मेन थी फ्रेंड्स वो ए सही राइट आंसर है इसका, यानी मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की जो सबसे प्रमुख वस्तु थी वो सूती वस्त्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके समय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी, यानी कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यही पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा डब्ल्यूसी बनर्जी, क्लियर। पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले, पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब, क्लियर, और दादा भाई नौरोजी पारसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किस आयोग ने वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया था और 1888 में एक प्रांतीय सिविल सेवा की सिफारिश की थी? इंग्लिस्टन आयोग, एचिंसन आयोग, भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज रॉयल कमीशन या चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज आयोग। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी प्रांतीय जो सिविल सेवाएं थी उन्हें समाप्त कर दिया गया था और उनके स्थान पर प्रांतीय जो राज्य की सेवाएं थी उन्हें लागू किया था। दरअसल यह टाइम 1886 का है जिस समय एचिंसन आयोग आया था, क्लियर, और इनके ही निर्देशन में एक सिफारिश बनी थी। उस सिफारिश में उन्होंने कहा था कि जो वैधानिक सिविल सेवाएं हैं आयोग की केंद्र वाली उन्हें समाप्त कर दिया जाए और राज्य की सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन का स्वागत किया गया था और निम्न में से किसके द्वारा स्वीकार किया था, यानी जब क्रिप्स मिशन 1942 में जब भारत आया था तो पूछा जा रहा है कि इसका स्वागत भारत ने किसने किया था, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं क्रिप्स मिशन अमेरिका और चीन के दबाव में भारत आया था, मसला यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज भारत का समर्थन प्राप्त करें और द्वितीय विश्व युद्ध में राजी करें भारत के लिए और भारत ब्रिटिश सरकार का समर्थन करे। भारत की भी कुछ अपनी मांगें थी, डोमिनियन स्टेट, संविधान, कुछ मिलता दिखाई नहीं देता है, हालांकि कोई भी इस दल इसका समर्थन नहीं करता है, क्लियर, न कांग्रेस ने, न मुस्लिम लीग ने, न हिंदू महासभा ने। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, निम्नलिखित में से किसने घेराबंदी के दौरान विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, निम्नलिखित में से किसने घेराबंदी के दौरान विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो आप जानते हैं फ्रेंड्स जब विद्रोहियों का घेरा हो रहा था जिस समय, यानी 1857 के विद्रोह की बात की जा रही है क्योंकि ये सब 1857 के विद्रोह के समय के हैं, 1857 के विद्रोह के समय की बात की जा रही है और कानपुर का यह मसला है और यहां पर जब नेतृत्व किया जा रहा था तो नाना साहेब के द्वारा किया जाता था। क्लियर, राइट आंसर हमारा ए सही होगा। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बंगाल में पिपली निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? पिपली एक स्थान है बंगाल में, तो यह किस लिए जाना जाता है? क्या यहां पहली डच फैक्ट्री थी या पुर्तगालियों की थी? नहीं, फ्रांसीसियों की थी या ब्रिटिश सरकार की फैक्ट्री थी? नहीं, क्या था इसमें? तो पिपली फ्रेंड्स जो था वहां बंगाल में पहली डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी, क्लियर, यानी 1930, क्लियर।
1916 के पृथक निर्वाचन की स्वीकृति में मुस्लिम लीग को कांग्रेस द्वारा निम्न में से किस शस्त्र में रियायत दी गई थी। 1916 में फ्रेंड्स अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। राइट आंसर इसका भी सही होगा, क्लियर। कलकत्ता बॉम्बे मद्रास के विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित में से किसके परिणाम के स्वरूप स्थापित किया गया था, यानी किस समिति ने सिफारिश की थी कि इन तीन जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। तो हंटर कमीशन नहीं, चार्ल्स वुड का प्रेषण, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, या हर्टोग समिति या कमेटी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा चार्ल्स वुड का प्रेषण, इन्हीं के कहने पर 1854 में फ्रेंड्स कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में क्या हुआ था, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमक आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है, नमक आंदोलन का, तब जानते हैं। पालमपुर नहीं, धरासणा को सुना सुना लग रहा है, मेहसाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आप जानते हैं कि यहाँ पर सरोजिनी नायडू, गांधी जी के मित्र इमाम साहब, ये लोग धरना दे रहे थे, साथ में सरोजिनी नायडू भी थी, और इस घटना को बेब मिलर नाम के पत्रकार ने क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। क्लियर फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या सही होगा, धरासणा। 1930 का ये कांड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। बीजापुर के शासक आदिल शाह थे, इनका नाम क्या था, आदिल शाह था। 1510 का समय दिया जाता है, इसी समय अल्बुकर्क नाम का एक पुर्तगाली था और इन्होंने क्या किया था, बीजापुर के शासक थे, गोवा छीन लिया था। राइट आंसर ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन सती सुधार और मानव बली के दमन के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जा रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसने भारत में सती प्रथा की रोकथाम कराई। मानव बलि, एक खोंड जनजाति थी, वो मानव बलि दिया करती थी, खोंड जनजाति। तो 1829 का समय है वो, और इस समय विलियम बेंटिक यहाँ के कौन थे, गवर्नर थे, और यही पहले वायसराय भी बने। क्लियर, राइट आंसर क्या सही होगा, ये सही होगा, सती प्रथा के रोकथाम के लिए और विलियम बेंटिक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कुछ स्टेटमेंट है, कथन है। रियो टवरी सिस्टम में सरकार ने वसीयत में भूमि को फिर से शुरू करने के अधिकार को बनाए रखा। रियो टवरी सिस्टम में सरकार ने भू राजस्व को बढ़ाने का अधिकार बरकरार रखा, जो उपरोक्त में से है, यानी जो रियो टवरी सिस्टम था इसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या रियोटरी सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या था। रियोटरी का मतलब है रैयतवाड़ी, क्लियर, क्या रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसी में, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्लियर, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम थी इसमें भारत सरकार, सॉरी, इसमें सरकार ने वसीयत में भूमि को फिर से शुरू करने के अधिकार को बनाए रखा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा है, रियोटरी सिस्टम में सरकार ने भू राजस्व को बढ़ाने के अधिकार को बरकरार रखा, ये सही है, यानी राइट आंसर क्या सही है, बी सही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास को
मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। तो एक संधि हुई थी 1748 में, एला सापल की संधि। इसी संधि में फ्रेंड्स क्या किया था, फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया था। राइट आंसर हमारा ए सही है, 1748 में। इस क्वेश्चन को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 लोग थे जिनके प्रभाव और अनुनय के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच एक तरह का समझौता हुआ, जिसके कारण गांधी इरविन पैक्ट 1931, आप समझ रहे हैं, के बीच बातचीत हुई, जिसने आमतौर पर गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन से 3 नहीं है, यानी वह कौन सा व्यक्ति है जो सही नहीं है, इन 3 में पूछा है। क्लियर। इतनी लेंदी बनाने का सिर्फ यही है कि बच्चे का टाइम खराब हो और कंफ्यूजन पैदा हो, समझे। अगर एक लाइन में सवाल को बना दिया जाए तो यही कहा जाएगा, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसे कराने में किन किन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो तेज बहादुर सप्रू भी थे इसमें, एम आर जयकर भी थे, बी एस श्रीनिवास शास्त्री भी थे, लेकिन जो नहीं थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, पीडी टंडन नहीं थे। राइट आंसर हमारा क्या सही होगा, डी है, लेकिन 3 लोग सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम में प्लांट ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का वृक्ष, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैसूर से संबंधित है ये सवाल। श्रीरंगपट्टनम में प्लांट ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था, यह समय है 1794 का। क्लियर। और इससे पहले 1792-92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित होता है और अनेक जुर्माना देना पड़ता है उसे, साम्राज्य विघटित कर दिया जाता है उसका, मराठे और निजामों के साथ मिलकर उसे लूट लिया जाता है अंग्रेजों ने। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, यह जैकोबिन दल का फ्रांस वो सदस्य बनता है। आपने देखा होगा कि जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी, इटली में क्रांति हो, जो जैकोबिन और जिरोंदिस्ट दल थे उनका यह सदस्य बनता है और फ्रांसीसियों के सहयोग में आता है, जैकोबिन दल का सदस्य बनता है और क्या करता है, ये प्लांट ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। तो कौन लगाता है, टीपू सुल्तान लगाता है, इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत फ्रेंड्स एक ऐसा संस्थान था जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, जिसे बी डी सावरकर ने प्रारंभ किया था। किसने, बी डी सावरकर, उनके भाई गणेश सावरकर। गणेश सावरकर, क्लियर, समझ रहे हैं ना, गणेश सावरकर ने प्रारंभ किया था, यानी बी डी सावरकर और गणेश सावरकर। गणेश सावरकर इन्होंने प्रारंभ किया था, अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था मुद्दा। क्लियर। राइट आंसर क्या सही है इसका, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक गठबंधन का सिद्धांत भारत में किसके द्वारा शुरू किया था, सहायक संधि थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, कौन था वायसराय उस समय, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कार्नवालिस। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि उस समय जो गवर्नर वायसराय था लॉर्ड वेलेजली था। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तारित हुआ था या ब्रिटिश सरकार का जो साम्राज्य सबसे सर्वाधिक विस्तार हुआ था
लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था, क्लियर। इसी के समय रेलवे का भी निर्माण हुआ था, क्लियर। और सबसे पहले जो सहायक संधि थी उसे हैदराबाद ने, क्लियर, स्वीकार किया था। हैदराबाद ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के तहत प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया था। अगर किसी गवर्नर के वायसराय के समय सर्वाधिक विवाद रहा है तो इसी के समय रहा है। 1904 की घटना से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अगले वर्ष जो हुआ था, क्या हुआ था, एक घटना घटित हुई थी भारत में बहुत, बंगाल विभाजन 1905, समझ रहे हैं ना। और इसके अगले वर्ष एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया था, क्लियर, 1904 में। और कौन था गवर्नर? लॉर्ड कर्जन। आंसर हमारा भी सही होगा, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन हुआ था, भारतीय सिंचाई विभाग का गठन हुआ था, भारतीय अकाल आयोग का भी गठन हुआ था। इसके समय अनेक आयोगों का गठन हुआ, विवादों से भरा इसका कार्यकाल रहा, क्लियर फ्रेंड्स। तो आज की सीरीज हमारे वाइस 33 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए थे, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स थोड़ा बीच में लाइट का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, कल फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।